Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are guys doing well. So guys, आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ ये हाफ कट क्रीज मेकअप लुक, एक सॉफ्ट सा ब्राउन हाफ कट क्रीज मेकअप लुक जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही गॉडी नहीं लगता है, बिल्कुल सटल सा एक लुक आता है इसमें. बहुत ही ईजी टेक्निक में मैंने ये मेकअप लुक किया है. सो गाइज चलिए देखते हैं कैसे मैंने ये लुक अचीव किया है. सो एज यू कैन सी गाइज, मेरी आईब्रो जो है बहुत ही ज़्यादा लाइट है. इसको फिल करने के लिए मैं इन कलर का ब्राउन कलर का जेल लाइनर ले रही हूँ. इसे मैं आईब्रो भी फिल कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हो. ब्लैक से नहीं करना है, आप ब्राउन से आईब्रोज को भी फिल कर सकते हो. काजल, जेल काजल से भी, जेल लाइनर से भी कर सकते हो. मैं इसी से अपने आईब्रोज को लाइटली स्मच किया है मैंने, अच्छे से ब्लेंड करके ही आईब्रो फिल कर लिया है. आपको एकदम से पैचेज नहीं करने हैं आईब्रोज पे. एंड स्विस ब्यूटी का कंसीलर से मैं इसको अच्छे से एज एज जो है एक क्लीन लुक दूंगी, जैसे फ्रेश लुक दूंगी इसको. और कंसीलर जो है बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको अप्लाई करना है, जैसे कि आपके लिड पे अप्लाई करना है थोड़ा थोड़ा ब्रश में लेके, फिर उसी से आपको एक बिल्कुल सटल सा, बिल्कुल एक फाइन सी लाइन आपको क्रिएट करनी है इस तरह से. एंड ऊपर से भी मैं हल्का सा नीचे से ही कंसीलर लेके, बहुत ही ज़्यादा कंसीलर नहीं लगाऊंगी, नीचे से ब्रश में कंसीलर लेके मैं इसको भी अच्छे से ऊपर से क्लीन कर रही हूँ. आप भी इसी तरह अपनी आईब्रोज को जो एक फिल कर सकते हो, मेरी तरह आपकी भी अगर लाइट आईब्रोज है तो. इसके बाद एक ट्रांसलूशेंट पाउडर से मैं इसको लॉक कर रही हूँ. आप कोई सा भी ट्रांसलूशेंट या फिर कॉम्पैक्ट से भी इसको लॉक कर सकते हो. लॉक गाइज बहुत ही अच्छे से करना है आपको, कहीं पर भी जो जैसे कंसीलर होता है ना वो वैसे नहीं रखना है. एंड ये आई शेडो पैलेट ले रही मैं जैकलिन हिल की, ये पैलेट बहुत ही अच्छा है गाइस. एंड इस तरह का मैं एक लाइट कलर ले रही हूँ, थोड़ा सा हीना ब्राउन टाइप का कलर है ये. एज अ ट्रांजिशन शेड है मेरा, इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है आपको, एकदम से ही डार्क कलर नहीं लेना है आपको. ऐसा भी आई मेकअप कर रहे हो, आपको डार्क शेड नहीं उठाना है, आपको सीरीज वाइज जाना है, लाइट टू डार्क जाना है आपको. पहले लाइट फिर मीडियम फिर डार्क, आपको जिस तरह आपकी रिक्वायरमेंट हो. एंड इसी का ही डार्क फॉर्म ले रही हूँ मैं, जो हीना ब्राउन टाइप का कलर है. इसी को मैं क्रीज लाइन और आउटर कॉर्नर पर इसको अच्छे से मर्ज कर रही हूँ. क्रीज लाइन क्रिएट करनी होती है हाफ कट क्रीज में. अगर आप हलवाई करते हो तो इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर और क्रीज लाइन डार्क करनी होती है. अगर हाफ कट क्रीज में आपको क्रीज लाइन और आउटर कॉर्नर पे अच्छे से मर्ज करके डार्क करना होता है. देखो गाइस, मैंने लाइट लिया फिर मीडियम शेड लिया, मैं डार्क ब्राउन ले रही हूँ, जैसे चॉकलेटी ब्राउन होता है वो वाला शेड ले रही हूँ मैं डार्क ब्राउन. उसको क्रीज लाइन और आउटर कॉर्नर पे इसको स्मज कर रही हूँ. आउटर कॉर्नर का जो ये वी कॉर्नर होता है उस पर मैंने ब्लैक आई शेडो अप्लाई किया. इससे एक ना जैसे स्मोकी इफेक्ट आता है, स्मज लुक आती है बहुत ही अच्छा. जैसे आईज ओपन करते हैं तो हमारी जो लैशेज होती है वो भी अच्छा सा वॉल्यूम दिखता है लैशेज में भी. एंड कट क्रीज के लिए मैं शुगर का ये 07 नंबर का मैं कंसीलर ले रही हूँ. ये थोड़ा सा फेयर शेड का कंसीलर है, ये वनीला शेड है. इसको मैं अच्छे से अपनी जैसे लाइन में अप्लाई करके एज अ लाइनर टाइप का मोटा मोटा अप्लाई करना है फ्री हैंड. ऐसे आइज को आपको अप करना है, फिर ये आपकी क्रीज लाइन डिफाइन हो जाएगी. एंड ये फ्लैट ब्रश ले रही हूँ, ये है वेगा का फ्लैट ब्रश है, बहुत ही अच्छा है. इसको भी आपको पहले शेप करना है, ऐसे फिंगर से इसको ब्रश करके आपको एक फ्लैट शेप देनी होती है. जैसे कि आपका ब्रश होगा वैसे ही आपका फिनिशिंग आएगी कट क्रीज में भी. उसके बाद जैसे कि हमारा जो क्रीज लाइन हमने डिफाइन कर लिया, हमें पता चल गया है कि ये हमारा क्रीज लाइन है, तो वहीं से आपको कंसीलर जो है ऐसे पुश करना है नीचे की तरफ. जैसे ब्रश आपका जैसे इमेजिनरी आपको आइडिया लगाना है कि कहाँ से हमें क्रीज लाइन होनी है, कहाँ से हमारा कैसे हमारा कट होना है. जैसे हाफ मून टाइप का या हाफ सर्कल टाइप का आपको बनाना है, तो उसी तरह आपको जैसे वहाँ पे ब्रश रख के नीचे की तरफ आपको स्वाइप करना है आपको है, इस तरह से ऐसे राउंड करके आपको ब्रश नहीं चलाना, आपको इमेजिनरी एक हाफ कट क्रीज लुक लेके उसको आपको नीचे की तरफ स्वाइप करके आपको करना है. इससे आपके जो कंसीलर की जो लाइन होती है बहुत ही अच्छी बन जाती है इससे. एंड ब्लैक आई शेडो लेके फिर से मैं आउटर कॉर्नर की पे स्मज कर रही हूँ. मैंने बताया था इसे एक स्मज इफेक्ट आता है, स्मोकी इफेक्ट आता है, और लैशेज भी बहुत ही अच्छी लगती है, वॉल्यूम वाली लगती है. एंड डार्क ब्राउन शेड लेके मैं फिर से बैक साइड की तरफ अच्छे से मर्ज कर रही हूँ, ताकि मेरी जो हैश लाइन है कंसीलर की वो मेरी हाइड हो जाए और बहुत ही अच्छा लुक आए. एंड ये ग्लैमोर के पिगमेंट ले रही हूँ गाइस, बहुत ही रीजनेबल पिगमेंट मिला था मुझे ये 200 अराउंड. एंड इसके पिगमेंट का बहुत ही ज़्यादा ऑसम. एंड ये थोड़ा मोनोक्रोमेटिक टाइप का था, जिसमें हल्का सा रिफ्लेक्शन पिंक की भी आ रही थी, थोड़ा कॉपर की भी आ रही थी. इसको हाफ लीड तक मैंने इसको अप्लाई करना है, उसके बाद मैं दूसरा वाला पिगमेंट यूज़ करूँगी. आई मैजिक का पिगमेंट यूज़ कर रही हूँ, P6 रॉयल फ्लश
P6 नहीं गाइस सॉरी P5 रॉयल प्लस P6 जो है वो गोल्डन टच में है, वो भी बहुत ही अच्छा शेड है। एंड इनकोनर को छोड़ के थोड़ा सा पीछे से मैं इसको इस वाले पिगमेंट को यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा पिगमेंट है ये। आजकल गाइस ग्लिटर से भी ज़्यादा ट्रेंड में जो है वो पिगमेंट है, ग्लिटर थोड़ा मोटा मोटा लगता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो पिगमेंट जो है आजकल ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, सॉफ्ट लुक देता है पिगमेंट है, ग्लिटर जो है थोड़ा सा गॉडीनेस आ जाती है उसमें। एंड ये फेसेस कनाडा का ब्राउन काजल ले रही हूँ गाइस, बहुत ही अच्छा काजल है, बहुत ही जिस हिसाब से इसके रेंज है 200 में आपको ये मिल जाएगा नायका पे। एंड ये देखो बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, एक बार में ही आपका ये बहुत ही अच्छे से काजल अप्लाई हो जाता है। ये शेड भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है इसका, फेसेस कनाडा का ब्राउन काजल। एंड मैं है आई मैजिक की ब्लश पैलेट में से पीच कलर ले रही हूँ। आप एज आई शेडो में ब्लशर यूज़ कर रही हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपके पास पीच आई शेडो नहीं है, पिंक नहीं है, तो आप ब्लशर से भी कर सकते हो। इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लिया है, ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लिया। एंड आपको पता ही है मस्कारा जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करना है, मस्कारा क्या भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आई मेकअप में। आप देख सकते हो पहले मेरे लोअर लैश लाइन कैसी लग रही थी और आफ्टर मस्कारा कैसी लग रही है, आप खुद चेंजेस दे सकते हो। आप देखोगे कितनी ज़्यादा ऑसम लगती है मस्कारा के बाद, जैसे हमारी हैवी लैशेज हो जाती है तो। एंड ये आई मैजिक की लैशेज लगा रही हूँ मैं L04 वाली लगा रही हूँ, और वीडियोज़ में मैं L03 लगा रही थी, आज उससे थोड़ा सा एक स्टेप हैवी लैशेज है ये L04 L03 के अकॉर्डिंग। ये भी बहुत ही ज़्यादा अभी हैवी नहीं है, ये भी यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल मेकअप में जो है। L03 और L04 बहुत ही अच्छे जाते हैं। एंड ऊपर लैश बैंड पे जो है वो अच्छे से फिर से ब्लैक आई शेडो लेके मैं मर्ज करूँ, ताकि मेरी जो लैश लाइन है, जो लैशेज फेक लैशेज की लाइन है, वो विजिबल ना हो। एंड आउटर कॉर्नर से हल्का सा मर्ज करके मैंने विंग टाइप का स्मज निकाल लिया, हल्का बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा। एंड जो भी फॉल आउट है उसको क्लीन कर लिया। आप देख सकते हो गाइस ये मेकअप लुक कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा सटल सा। इसमें आप काजल भी दे सकते हो, मुझे काजल इतना ज़्यादा पर्सनली पसंद नहीं है तो मैंने ब्राउन काजल दिया, ब्राउन काजल मुझे ज़्यादा पसंद है। आपको क्या पसंद है, ब्राउन काजल या ब्लैक काजल, कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड ये मेकअप कैसा लगा ये भी बताना, और चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके टेक केयर, बाय।